हेलो फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न ईवीएस यूनिट टू आवर नीड्स। आवर नीड्स मतलब हमारी जरूरतें। 2.1 लेसन नंबर एंड लेसन नेम इज फूड। लेसन नेम इज व्हाट? फूड। सो सी हियर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। मतलब जो लिविंग थिंग्स, इट मीन्स व्हाट? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि जो जीव है, जंतु है, मतलब लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स आर लिविंग थिंग, जो अपने आजू बाजू में रहते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब टेबल, चेयर, जो चीज चल नहीं सकती, खा पी नहीं सकती, वो नॉन लिविंग थिंग्स मत है, निर्जीव। और सजीव इट मीन्स लिविंग थिंग्स, मतलब जिसमें जीव है वहां पे जो लोग खाते हैं, पीते हैं, सब जगह चलते हैं, वो लिविंग थिंग्स है। तो ह्यूमन बींग्स, एनिमल, जैसे कि काउ, गोट, बफेलो, डॉग एनिमल्स, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े, ये सब क्या है? हम और आप लिविंग थिंग्स है। और ट्रीज ऑल्सो लिविंग, ट्रीज भी लिविंग थिंग्स में ही आती है। बट नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? जो अपने जगह से नहीं चलती, जो वहां के वहां पे ही रहती है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे कि टेबल, चेयर, इसको आपको उठा के लेके जाना पड़ता है, वो चीज आपके ऊपर निर्भर है, उसको नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, जो चल फिर नहीं सकते। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, मतलब सब ऐसे जो सजीव है जिसको जरूरत है फूड, मतलब खाने की। हम लोग बिना खाए रह सकते हैं क्या? नहीं। वी नीड फूड व्हेन वी आर हंग्री। हंग्री मतलब वी नीड फूड व्हेन वी आर हंग्री। हम लोग को कब फूड की जरूरत है खाने की? जब हम लोग भूखे रहते हैं। हंगरी मतलब भूखा रहना। जब हम लोग को भूख लगती है तब हम लोग खाना खाते हैं। आवर बॉडी नीड्स फूड टू ग्रो स्ट्रांग एंड हेल्दी। हमारी बॉडी को क्या जरूरत है? टू ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना। आवर बॉडी नीड्स फूड, हमारे बॉडी को फूड की जरूरत है। क्यों फूड की खाने की जरूरत है? क्योंकि उसको बढ़ना है, स्ट्रांग बनना है और हेल्दी बनना है। इसलिए देखो, फूड गिव्स अस एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले। फूड क्या करता है? खाना हमको क्या देता है? एनर्जी देता है वर्क, मतलब काम करने के लिए और खेलने के लिए। आया समझ में? स्ट्रांग, हेल्दी फूड, हंग्री, ये आपके जो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूं वो वर्ड्स लिखने हैं आपको। गुड फूड्स मेक्स आवर बोन्स एंड बॉडी स्ट्रांग। गुड फूड मतलब क्या? जो अच्छा खाना रहता है वो हमारे बॉडी को स्ट्रांग और हेल्दी बनाता है। बोन्स मतलब हड्डियां, ये हमारे बॉडी के बोन्स को स्ट्रांग बनाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कुरकुरे खाते हो, लेस खाते हो, सारी ये चटपटी चीजें खाते हो, उससे आपके बोन्स स्ट्रांग बनेंगे क्या? नहीं। जब आप लोग दूध पियोगे, एग्स खाओगे, ब्रेड खाओगे या वेजिटेबल्स खाओगे, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो लोग फ्रूट्स खाएंगे, दूध पियेंगे, ब्रेड खाएंगे, तब उनका बोलते हैं ना बोन्स स्ट्रांग होते हैं, मतलब वो हेल्दी फूड खाएंगे। एक्चुअली ब्रेड खाना भी अच्छी चीज नहीं है, पर आपको ये सारी चीजें खानी है हमेशा। बिस्किट, कुरकुरे, ये सारी चीजें नहीं। बिस्किट तो ठीक है, पर जो कुरकुरे स्नैक्स वगैरह ये खाते हैं ना, वो चीजें नहीं खानी चाहिए। एग्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारा फूड कहाँ से आता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स मतलब झाड़ और एनिमल्स तो आपको पता है। फूड फ्रॉम प्लांट्स फूड ग्रेन्स। फूड कहाँ कहाँ से आता है? राइस, ये देखो राइस, ओट, वीट मतलब गेहूं, जवार, माइस और मिलेट, ये सारे हमारे क्या है? फूड ग्रेन्स है जिससे फ्रूड हमको आते हैं। फ्रूट्स, ये भी आपको वर्ड्स लिखने, राइस, ओट, वीट, जवार, माइज, मिल्ट। फ्रूट्स, ऑरेंज, ग्रेप्स, एप्पल, पाइनएप्पल, बनाना, मैंगोज, ये भी आपकी हेल्थ स्ट्रांग करते हैं। फूड ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब ये दाने दाने रहते हैं ना, गेहूं, जवार, बाजरी, ये और ये फ्रूट्स आप लोग डायरेक्टली खा सकते हैं। नाउ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में आपको क्या क्या खाना चाहिए? पोटैटो, कैबेज, एवरीथिंग, ऑनियन, कैरेट, लेडी फिंगर मतलब भिंडी, कैप्सिकम, ग्रीन पीस, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, ये सारी चीजें क्या होती है? आपको खानी चाहिए वेजिटेबल्स में। सो अंडरस्टैंड,
टेल एंड टॉक विच इज आवर फेवरेट विच इज योर आवर ने सॉरी विच इज योर फेवरेट फूड ये आपको लिखना है. विच वेजिटेबल्स डू यू लाइक द मोस्ट ये आपकी एक्टिविटी है. अभी मैं नहीं बता सकती आपको कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है, ये आपको लिखना है होमवर्क. फन एक्टिविटी प्लास्टिक पिक्चर्स पेस्ट पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इन योर स्क्रैप बुक. अभी ये एक्टिविटी एक बुक बनानी है. पहले मैं आपको एक एक एक्टिविटी देती जाऊंगी. ये मैं आपको और पीछे भी एक्टिविटी है एक साथ बताती हूँ बाद में. ये अपने ईवीएस की नोटबुक में लिखो. और अभी देखो फूड फ्रॉम एनिमल्स बर्ड्स एंड फिश. हमको एनिमल्स से कैसे कैसे फूड मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं बर्ड्स फिश मिल्क फ्रॉम काउज एंड बफेलो. मिल्क किससे मिलता है, काउज एंड बफेलो से, गाय और भैंस से दूध मिलता है. मिल्क हेल्प्स टू ग्रो स्ट्रांग एंड हेल्दी. इट इज नेचुरल्स वेलनेस ड्रिंक. नेचुरल्स मिल्क इज यूज टू प्रिपेयर मेनी टेस्टी थिंग्स. अभी मिल्क से भी टेस्टी टेस्टी थिंग्स बोलते हैं. और मिल्क क्या है, हमारा सबसे टेस्टी ड्रिंक है. देखो आई नो सबको मिल्क पसंद नहीं है, पर आपको ये बोलते हैं ना बोर्मिटा वगैरह डाल के पीना चाहिए, पर मिल्क रोज पियो जरूरी है. सम ऑफ द थिंग्स वी प्रिपेयर फ्रॉम मिल्क जैसे कि क्यूर्ड मतलब दही बनाते हैं. बटर तो सबको पता है, स्लाइस बटर को लगाते हैं ब्रेड को. मिल्क चीज बटर मिल्क ये आप लोग है ना जिसको दूध पसंद नहीं आता, अगर वो अपने खाने में बटर चीज ऐसे चीजें भी खाते हैं ना फिर भी वो लोग हेल्दी हो सकते हैं. क्यों पता है, क्योंकि ये सारी चीजें दूध से बनती है, मिल्क से बनती है इसलिए. ठीक है. मीट फ्रॉम शीप एंड गुड गोट्स एंड हेंस. मीट मतलब मटन. मीट मटन कहाँ कहाँ से मिलता है, शीप गोट और हेंस से. ये जो है मुर्गी से ये सब मिलता है, शीप से मुर्गी से गोट से. ये देखो एग्स मिलती है, एग्स फ्रॉम हेंस एंड डग्स. एग्स किससे मिलता है, हेंस एंड डग्स से मिलता है, इससे और इससे. ये डग है ये हेन है. फिश फ्रॉम सीज रिवर एंड लेक्स. फिश कहाँ से आता है, फिश फ्रॉम सीज कहाँ से मिलते हैं, सीज मतलब समंदर से नदी से लेक से तालाब से मिलता है. सो आपको बच्चों ये क्या करना है, ये लेसन आपको क्यों जरूरी है पता है, फूड. फूड मतलब क्या, खाना. क्योंकि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपका हेल्थ बनता है, आपको ये सारी चीजें स्पेलिंग भी आनी चाहिए, साथ में आप लोग को ये समझना भी चाहिए कि आपको हेल्थ में कैसे आगे बढ़ना है. आपकी ये एज है कि जिससे आप प्रॉपर ग्रो होते हो. अगर आप प्रॉपर मिल्क नहीं लेते, जैसे कि आप लोग खाने में सिर्फ कुरकुरे खाते हो या एक ही चीज हमेशा खाते हो, पोटैटो तो पोटैटो ही खाते हो, नहीं आपको हर एक चीज मैं रोज नहीं बोल रही हूँ, आज आपने एक खाया चीज राइस खाया तो कब आप रोटी खाओ, हर एक चीज अपने खाने में चाहिए. जैसे कि जिसको दूध पीना पसंद है, मैं तो बोलती हूँ दूध पियो. इवन आई ऑल्सो एवरी डे ड्रिंक मिल्क. मैं हमेशा वेजिटेबल्स खाओ, वेजिटेबल्स पसंद नहीं तो दूध पियो, एग्स खाओ, ये सारे फ्रूट्स खाने की कोशिश करो, वेजिटेबल्स खाने की कोशिश करो. इनफैक्ट दूध से बनी हुई चीजें जैसे कि दही बटर मिल्क चीज मीट हैंस ये सब फिश ये आप खाओगे तो आपकी बॉडी कैसे और बोन्स मतलब हड्डियां स्ट्रांग और हेल्दी बनेगी. कैसे बनेगी, स्ट्रांग और हेल्दी. तो आपको ये जो मैंने ये जो किया है ना डार्क ये आपको लिखना है. ये जो वर्ड्स है ये आपको लिखने हैं. ये फूड ग्रेन्स ये आपको वर्ड्स फाइव टाइम्स ने तो वन टाइम लिखो पूरा. ये सारे वर्ड्स फाइव टाइम्स लिखो. क्यों पता है ये मैं क्यों बोल रही हूं, टीचर आपने लास्ट टाइम भी दिया था अभी भी दे रहे हो, क्यों पता है मैं दे रही हूं आपको, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चों को आंसर जो ये आता है ना ये आंसर आपको वर्कबुक में लिखने के लिए ये जो ऐसे आंसर्स ये आपको आंसर्स आते ही नहीं है. क्यों पता है, क्योंकि आपको स्पेलिंग नहीं आती है. देखो मीट एग कटर क्यूर्ड बटर मिल्क चीज ये जो आंसर्स है ना ये देखो ये आंसर कब लिखने आएंगे, इतने बड़े आंसर्स टू लाइन्स के आंसर्स हेल्दी फिश ये कब आएगा आपको लिखने,
जब आपको स्पेलिंग आएगा, आपको डायरेक्ट पढ़ना आता है क्या? नहीं, पहले आप लोग क्या सीखते हो? एबीसीडी। एबीसीडी के बाद आप लोग क्या सीखते हो? टू वर्ड्स, थ्री वर्ड्स। तो अभी आपकी नाउ योर टाइम इज व्हाट? राइट सेंटेंस आंसर्स। सो आपको ये आंसर्स लिखने के लिए आपको क्या करना, मैं आपको फोटोग्राफ भेजती हूँ और आपको ईवीएस की बुक आपके पास है, जो मैंने वर्ड्स डार्क किए वो आपको 5-5 times लिखने, ज्यादा मत लिखो नहीं तो पूरा ये 10-10 times लिखो, 5-5 times नहीं, 10 times पूरा, एक नहीं तो एक पूरा लिखो ऐसा पूरा, जैसे लास्ट टाइम लिखते थे फूड, पूरा फूड 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 नीचे नीचे तक लिखना है, समझा? एक एक टाइम पूरा एक दिन लिखो आज ये। और इसके साथ ये मैं फोटो भेजती हूँ ये, और ये एक्सरसाइज आज आपको, ये देखो ये पूरा एक्सरसाइज देखो कैसे आपको ईवीएस में यही दिक्कत होगी कि स्पेलिंग ज्यादा रहेगी कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। आपको मैं यही बोल रही हूँ कि आपको क्या होगा, ये स्पेलिंग ज्यादा लिखने रहेगी क्योंकि यही बेस है आपका। अगर आप लोग यहाँ पे ही प्रॉपर लिखना नहीं सीखोगे, कंटाला करोगे तो कुछ नहीं होगा। एंड मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ओनली फ्यू स्टूडेंट सेंड मी होमवर्क प्रॉपर स्पेलिंग। ऐसा क्यों? मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोग पूरा एक वर्ड ऊपर का ना, जैसे कि फूड है, हंगरी है, ऐसे पूरा किसी के साथ ऊपर से लिख के लो। और प्लीज वो नोटबुक में, वर्कबुक में पेन यूज मत करो। मैं हमेशा बोलती हूँ पेन टीचर्स ही यूज करते हैं, पेरेंट्स को अलाउड नहीं है नोटबुक में पेन लिखना, पेन से लिखना। अगर बड़े सर देखेंगे तो बहुत इश्यू हो जाएगा। सो आपको आपका होमवर्क में हम लोग शो करते मैडम सर को। सो प्लीज नो वन राइट इन पेन इन नोटबुक, नो वन यूज पेन इन नोटबुक, ओके? मैं फिर से बोल रही हूँ आपको कि कोई भी पेन यूज नहीं करेगा, पूरा पूरा लिखेगा, 5-5 times नहीं, पूरा ही लिखो, धीरे लिखो लेकिन अच्छे से लिखो। धीरे इसका मतलब 2-4 दिन में नहीं, कम से कम आज का और कल के दिन में ये पूरा वर्क करके दो मुझे, क्योंकि घर पे बैठ के आप लोग कार्टून देखने से अच्छा अभी पढ़ाई करो। पूरा आपको दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रहता है, पहले जैसे स्कूल में कैसे दो दो तीन तीन चार चार सब्जेक्ट रहते हैं, वैसे नहीं, इसलिए पूरा वीडियो में एक ही सब्जेक्ट होता है, आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, अंडरस्टैंड? आपको पूरा नहीं पढ़ना है, पर आपको ये पूरे वर्ड्स इसलिए मैं बोल रही हूँ, आपको एक बेनिफिट देखो, एक आपका अच्छी बात देखो कि आप घर पे बैठ के पूरा ये लर्न स्पेलिंग कर सकते हो, जो आप स्कूल में भी रह के कर सकते थे, पर स्कूल में पढ़ाई नहीं, मतलब लर्न नहीं होता है, घर पे बैठ के आप लर्न कर सकते हो। सो बेटर है आप घर पे 5 hours, अगर दिन के 2 घंटे भी पढ़ के अच्छे से बैठ के लिखोगे तो हो जाएगा। टीचर ज्यादा होमवर्क है, प्लीज ऐसे मत बोलो, मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ। इसमें क्या है, मुझे खुद की प्रॉफिट नहीं है, आप स्टूडेंट्स, आपका बेस अगर मजबूत हो जाएगा फर्स्ट स्टैंडर्ड का, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपको आगे जाके पढ़ाई में कम दिक्कत होगी, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, आप लोग सिर्फ लिखते हैं और छोड़ते हैं, अरे पढ़ के अच्छे से FOOD, 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 FOOD पूरा एक लिखोगे तो आपको स्पेलिंग लर्न हो जाएगी, साथ में आपका लर्न भी हो जाएगा और साथ में आपका लिख के भी हो जाएगा। और स्पेलिंग लर्न होने से क्या होता है, ये मत सोचो, मैंने 3rd standard का भी पढ़ा है, 2nd standard, आप ये सोचो कि ये स्पेलिंग इधर ही 1st standard में ही यूज होगा, ये आपको पूरे स्टडी में पूरा हमेशा के लिए यूज होगा। 3rd standard, 10th standard, ये छोटे छोटे स्पेलिंग बेसिक रहते हैं, अगर आपका बेसिक ही क्लियर ना हो तो आई एम सॉरी, आपको रीडिंग नहीं आएगी। आपको खुद से रीडिंग सीखनी है तो ये जो डार्क किए हुए वर्ड से ये लिखना सीखो, साथ में उसको पढ़ो। पढ़ने से क्या होगा, आपका लर्न हो जाएगा, लर्न के बाद इतनी बार लिखने से आपके वो दिमाग में फिट बैठेगा कि हाँ ये स्पेलिंग मुझे आता है, इसमें मुझे पढ़ना आने लगा। तो आप खुद से धीरे धीरे ALL लिविंग थिंग्स LIVING लिविंग, ऐसे आप लोग खुद से पढ़ना सीख जाओगे। अंडरस्टैंड, जो वर्ड्स डार्क किए हैं वो वर्ड्स लिखो, आई रिपीट, जो वर्ड्स डार्क किए हैं वो लिखो, ये 2 questions लिखो। और एक एक्टिविटी स्क्रैप बुक में देनी है, स्क्रैप बुक मतलब अभी आप पूछोगे कौन सी बुक,
जो आपको बुक का सेट दिया है स्कूल का, स्कूल में से, उसमें देखो कलर कलर के पेजेस की एक वर्कबुक है, मतलब ऐसे एक बड़ी ऐसी इसी साइज में एक कलर सिर्फ ब्लैंक बुक है, सिर्फ कलर कलर का पेज है, उसमें आपको क्या करना है, ऐसे फोटो करना है, ऐसे फोटो करके ऐसा ये करना है। ये फर्स्ट एक्टिविटी है स्क्रैप बुक की, ये ऐसे आपको ये बॉडी का लिख के देना है स्क्रैप बुक में। ये देखो इधर देखो, फन एक्टिविटी, लेटर्स आवर थ्रम्बल मेक्स बीन्स मेक यूजिंग येलो कलर, देन बैक फ्लिट टू द एवरीवन स्ट्रिप लेग्स एंड विंग्स ऑफ द बीन्स। देखो आपको क्या करना है, ये मत करो आप लोग है ना डायरेक्टली, मैं आपको इजी कर दे, यही आप क्या करो स्क्रैप बुक में आप डायरेक्ट ऐसा करो स्क्रैप बुक, ये फर्स्ट एक्टिविटी। उसके बाद आपकी सेकेंड एक्टिविटी है, ये देखो पेज नंबर 11, ये आपकी सेकेंड एक्टिविटी है स्क्रैप बुक सेकेंड एक्टिविटी। इन योर स्क्रैप बुक मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली नोटबुक एंड थ्री डिफरेंस बिटवीन देम बेस एंड हाइट वेट हेयर नोज आईज एंड स्किन कलर ऑल्सो थ्री सिमिलरिटीज बिटवीन योर पेरेंट्स। ये आप हाँ, लेकिन स्क्रैप बुक की एक्टिविटी इतनी जरूरी नहीं है फास्ट करने की, मैं एक्चुअली गणपति में दूंगी पर फिर भी आप लोग अभी से ही देखो। और ये थर्ड एक्टिविटी है, वन बाय वन आपको करना है, समझ में आया, पेस्ट मतलब चिपकाना है, स्पेस पिक्चर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन डिफरेंट कलर्स इन योर स्क्रैप बुक, अंडरस्टैंड। तो स्क्रैप बुक में आपको ये सारी एक्टिविटीज करनी है। सो स्क्रैप बुक का काम आप कब करोगे, कब करोगे, वैकेशन में, अभी नहीं, मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके पास टाइम है तो करो, पहले आप लोग ये होमवर्क करो, ओके।